स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रिएक्ट के अंदर काम आने वाला एक गजब का एक्सटेंशन, जो आपको रिएक्ट के अंदर प्रोग्रामिंग करते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सिंपली चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ आने के बाद आपको एक्सटेंशन के अंदर जाना है और सर्च मारना है ऑटो रीनेम टैग। आपको सिंपली इस टैग को इंस्टॉल कर लेना है। आपको इसको अपने VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसको पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि काम क्या करता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक एंकर टैग ले रखा है, और अगर हम इसको इसका नाम चेंज करते हैं तो मैं अगर यहाँ पर H1 करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका क्लोजिंग टैग है, उसका नाम भी अपने आप ही चेंज हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ।